प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप और हम हैं ऋषिराज। आपके सामने हम एक बेहद जरूरी सवाल को एड्रेस करने के लिए आए हैं। क्या रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में कोई घोटाला हुआ है? जो रिजल्ट जारी हुआ है, क्या उसमें कोई घालमेल किया गया है? नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या किसी बड़े स्कैम को ठिकाने लगाया गया है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। बिहार तक भी लोग आ रहे हैं, वो संदेश कर डाल रहे हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स में वो लगातार आ रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें उनके साथ नाइंसाफी की गई है। तो आज ये जो बिहार तक है वो आपका मंच है, हम आपका आवाज़ बनकर सामने आए हैं, हम आपके मुद्दे को उठाने के लिए सामने आए हैं। झारखंड बिहार के लाखों छात्र इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, उन्होंने परीक्षा दी है और जब नतीजे आए हैं तो वो हैरान हैं, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं मेन स्ट्रीम में उनकी इस शिकायत का कोई पता नहीं है, कोई इस खबर को एड्रेस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बिहार तक आपकी आवाज़ है, आपका मंच है। हम जो हैं आज इस बारे में बात करेंगे कि क्या रेलवे के ग्रुप डी के रिजल्ट जो सामने आए हैं उसमें कोई घोटाला हुआ है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी का जो परीक्षा हुआ था उसके रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में तकरीबन 1,80,00,000 छात्रों ने हिस्सा लिया और ये जो वैकेंसी थी वो तकरीबन 70,000 लोगों की वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराए गए थे, कई चरणों में एग्ज़ाम हुए। तो इसमें जो सबसे पहले आरोप जो सामने निकल कर आया है कि वो कई उम्मीदवारों को 100 से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल गए हैं। कई उम्मीदवारों ने हमें भी अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजा है। उम्मीदवारों का आरोप है कि रेलवे ग्रुप डी में जो मतलब ये भर्ती हुआ है उसमें कोई घोटाला हुआ है। ये दावा जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो ऐसे अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर पटना में भी उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया है, रिजल्ट रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तरीके से मुहिम छेड़ने की कोशिश हुई है कि उन छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके अलावा कई उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें कम नंबर दिए गए हैं और उनके नॉर्मलाइज मार्क्स सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया है। नॉर्मलाइजेशन क्या है ये भी हम आपको आगे बता देंगे ताकि आप इस पूरे चीज को समझ पाए कि आखिर छात्रों के साथ कहां दिक्कत आ रही है। कई छात्रों ने जो बताया है उनका कहना है कि 100 नंबर के पेपर में 111 नंबर दे दिए गए, 120 नंबर आए हैं कुछ छात्रों के, कुछ के 148 नंबर आए हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 25 से 35 अंक तक नंबर बढ़ा दिए गए, जिसमें जिसका 64 नंबर आया था वो पास ही नहीं हुआ और 45 नंबर वाला पास हो गया। वहीं 100 नंबर के पेपर में 109, 148, 105, 111, 102, 101 अंक भी आए हैं, जिसमें अंक जो हैं उसके और जो अंक हैं वो 40-85 थे, लेकिन और जब उनका नॉर्मलाइजेशन किया गया, जब नॉर्मलाइज कर दिया गया, कैलकुलेट किया गया उसको, तो वो 80-85-87-90 तक पहुंच गया। 60-65-66-70 और 75 अंक वाले नॉर्मलाइज करके 58-63-70-71 कर दिए गए और ऐसे लोग पास होने से वंचित हो गए, यानी कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जब अंक जो है नॉर्मलाइज कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ क्या कि जो क्वालिफिकेशन मार्क था वो बढ़ा और उनका नंबर कम रह गया और उससे वो छट गए। अब ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। होता यह है कि जब दो पाली या उससे अधिक पाली में परीक्षा हो, शिफ्ट जिसको हम कहते हैं अर्बन क्षेत्र में, जब दो से अधिक शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं तो होता क्या है कि सवाल बदलते हैं शिफ्ट्स के साथ। तो कई मौक़ों पर होता ये है कि कभी जो सवाल है वो आसान सवाल हो मिलता है छात्रों को, कभी छात्रों को कठिन सवाल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो, सारा जो सारे छात्र जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ बराबर का व्यवहार रहे जब मार्क चेक किया जाए, तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसमें एवरेज मार्किंग तय की जाती है कि अगर कोई परीक्षा में हार्ड क्वेश्चन जिस शिफ्ट में आया था उसको नॉर्मलाइज किया जाता है उस तरीके से, और एक बराबर का बंटवारा जो है अंकों का उस हिसाब से किया जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन, ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस के हवाले से छात्रों का आरोप है कि उनके जो नंबर हैं वो घटा दिए गए, वो इतने कम हो गए कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो कुछ छात्र जो हैं वो 100 नंबर के परीक्षा में 100 से ज़्यादा मार्क्स लेते आए। अब ऐसे में सवाल है कि ये जो छात्रों का दावा है क्या वो सही है या ये खबर जो है ये फेक है, ये इसे प्लांट करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि 1,80,00,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, इसमें 70,000 की वैकेंसी है। क्या इसे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है ताकि सरकार पर दबाव बने
और सरकार जो है इस परीक्षा को रद्द कर दे, क्योंकि कई छात्र मांग कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम दावे जो हैं वो सोशल मीडिया के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे ने इस खबर पर कोई टेक लिया है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, रेलवे की का ट्विटर हैंडल पर हम बैठे हुए हैं, चूंकि डिजिटल वर्ल्ड में ट्विटर के जरिए सबसे ज़्यादा तेज तरीके से खबरें हम तक पहुंचती हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेलवे ने जो है कि क्या रेलवे ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ट्विटर हैंडल को देखें तो एक ट्वीट जरूर हमें नज़र आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट करके लिखा है कि ए कैंडिडेट स्कोर शीट विथ हाई स्कोर इज बीइंग मेड वायरल, प्लीज नोट दैट दिस स्कोर शीट इज मॉक्ड, द करेक्ट स्कोर शीट इज गिवन बिलो, प्लीज डू नॉट बी मिसगाइडेड बाई अनकरप्शन एलिमेंट इन इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट सिस्टम इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इसका हिंदी मतलब क्या होगा ये भी जरा अब आप समझ लीजिए। रेलवे ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि एक अभ्यर्थी जो है उसका जो सोशल मीडिया पर उसका आंसर शीट है वो वायरल हो रहा है, उससे छेड़छाड़ की गई है। रेलवे बकौल ये बात कह रही है कि इस एक अंक पत्र में दिखाया गया है कि ग्रुप डी के परीक्षा में एक अभ्यर्थी को परीक्षा के विभिन्न खंडों में मिले अंक 100 से भी ज्यादा है। ऐसे में रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके छात्रों से अनुरोध किया है कि उनकी ये जो परीक्षा है वो निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा रही है, कुछ शरारती तत्व हैं वो छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेलवे का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। छात्र हालांकि अभी भी अपने आरोपों पर टिके हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है और उन्हें इस मामले में वो जांच की मांग कर रहे हैं, वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम आपसे यही अपील करेंगे, फिलहाल जो हम अभी तक समझ पाए, बिहार तक अपनी पड़ताल में देख पाया, आपको बता पा रहा है कि आप पैनिक ना हो। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो आप शिकायत अपनी लेकर जाएं रेलवे मंत्रालय तक और अपनी शिकायत को प्रूफ के साथ दर्ज करवाएं। आपके साथ नाइंसाफी हुई तो आपको सामने आना पड़ेगा और आपको तथ्य दिखाने पड़ेंगे कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है। और किसी को 100 से ज़्यादा अगर नंबर मिल रहे हैं तो उस छात्र को आपको सामने लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि तस्वीरें आज के दौर में आसानी से छेड़छाड़ कर बनाई जा सकती हैं। ये बात आपको समझना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। तो ऐसे में हमारी फिलहाल यही अपील है कि आप शांति बनाए रखें, पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि 70,000 वैकेंसी का मामला है, 1,80,00,000 छात्र शामिल हुए, इसमें झारखंड बिहार के लाखों छात्र हैं। ऐसे में आपके भविष्य का दाव जो है उस पर कुछ गलत हो अगर, तो हम उसकी आवाज़ बनेंगे, ये भरोसा हम आपको दिलाना चाह रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उसे जांच परख कर आगे बढ़ें और उस पर प्रतिक्रिया भी आप सोच समझ कर दें। अगर वाकई कोई ऐसी खबर होती है, कोई घोटाला की बात सामने आती है, तो वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही। बिहार तक की तमाम खबरों के लिए और सारे अपडेट्स के लिए बिहार तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई खबर आप तक पहुंचाना चाहें वो तुरंत आपको पहुंचे। प्रणाम।